माइक नंबर दो पे अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हो तो उनको तरजीह दी जाए। है जी, आखिरी तीन सवाल की वक्त कमी, आखिरी तीन सवाल। ये आखिरी दो सवालों में से सेकंड लास्ट सवाल है, यानी आखिर से पहले का सवाल है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, दिस इज अमर हियर। एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क यू समथिंग। एज ऑफ नाउ व्हाट आई gain certain knowledge about the Islam, every religion tells you that if you hurt someone, you are bound to get hurt. In spite of that, there is major animosity between different religions in the whole world. So I wanted to know, how can we eradicate that? Bhai sahab ne jo sawal pucha hai, ye sawal Mahesh bhai ne sabse pehle pucha tha ke हर धर्म अगर कहता है कि दूसरे धर्म को तकलीफ मत दो, लेकिन फिर भी इतना कतल हो रहा धर्म के नाम से, किस तरीके से इसको हम दूर कर सके। मैंने कहा कि अक्सर मेरे हिसाब से जितने दंगे फसाद होते हैं उसके जिम्मेदार पॉलिटिशियन है, अपनी जाति फायदे के लिए धर्म के नाम पे दंगे फसाद करते हैं। इसीलिए हर हिंदू, हर मुसलमान अगर अपनी किताब को सही तरीके से पढ़े और उसके ऊपर अमल करे, ये दंगे फसाद दूर हो जाएंगे। जिस तरीके से कुरान मजीद में लिखा है, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलिमतिन सवा इन बैन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। इज इट बिकॉज ऑफ सर्टन मिसकंसेप्शन अमंग पीपल? भाई साहब ने पूछे कि क्यों गलत फहमी, इसके वजह से बिल्कुल सही, गलत फहमी इसलिए, अगर ये गलत फहमी दूर हो जाएंगी और हम एक दूसरे के धर्म को जाने तो हमें पता लगेगा कि सारे धर्म कहते हैं कि एक ही खुदा है, एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है, और सिर्फ उस ईश्वर की इबादत करना चाहिए, उसके अलावा नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाईचारा बढ़ेगा और मेरे जिसे को समझ पाएंगे और ये दंगे फसाद कतर बंद हो जाएंगे। थैंक यू सर। और अब इस नशिस्त का आखिरी सवाल माइक नंबर 1 से। तोरेत, अगर कोई सवाल माइक नंबर 3 से हो और गैर मुस्लिम बहन हो तो उनको तरजीह दी जाएगी। माइक नंबर 3, नो नॉन मुस्लिम। इस तोरे जबूर और इंजील, तोरे तो मूसा अलैहि सलाम पे नाजिल हुआ, दाऊद अलैहि सलाम पर ये कौन सा तो जबूर, हाँ, और इंजील ईसा अलैहि सलाम पे नाजिल हुआ। तो अभी ये तीनों क्यों फॉर्म में नहीं है, मतलब है क्यों नहीं? कुरान है तो उसको मिक्सअप कर दिया लोगों ने, और उसका फॉर्म क्यों नहीं है अभी? तोरे जबूर इंजील क्यों नहीं है वो किताब? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा कि अल्लाह ने नाजिल किया तोरा, फिर जबूर, फिर इंजील, अभी ये सब क्यों नहीं, सिर्फ कुरान क्यों? भाई साहब जब बुक का एडिशन निकलता ना, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, तो सिर्फ लेटेस्ट एडिशन लगते, पुराने एडिशन छोड़ देते। क्योंकि जो मेन सारे किताबों में, सारे वही में बुनियादी बात वही थी, एक खुदा को मानो, उसकी इबादत करो, ना उसकी कोई प्रतिमा है ना कोई मूर्ति है। लेकिन जो माइनर पॉइंट थे, किस तरीके से नमाज पढ़ना, शायद तब्दीली हुई, थोड़ा खाने में हलाल था कभी हराम हुआ, ये थोड़ी बहुत ही बात बदलते गए, क्योंकि लोग ने इस किताब में मिलावट लाई। जब वही में मिलावट आने लगी तो अल्लाह ने एक नए पैगंबर को भेजा फिर से उसको साफ करके। लेकिन जब अल्लाह ताला ने सोचा कि ये वक्त अभी सही वक्त है, आप पूछेंगे अल्लाह ताला ने कुरान क्यों ने सबसे पहले भेजा, तो मैं ये जवाब दूंगा, अल्लाह ताला जानते थे कि इंसानियत उस वक्त तैयार नहीं थी कुरान को हासिल करने के लिए। 1400 साल पहले अल्लाह हमारा खालिक है, उन्हें जब यकीन हुआ कि ये वक्त सही है नाजिल करने के लिए, उन्होंने कुरान नाजिल की, और जब नाजिल किया उसमें लिखा सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल की और अल्लाह ताला इस कुरान मजीद की हिफाजत करेंगे। इसके बाद कोई भी इस कुरान मजीद में मिलावट ला ही नहीं सकता है। आप कितनी भी कोशिश करो, क्योंकि आज की तारीख में लाखों लोग कुरान को अपने मेमोरी में उतार चुके हैं। कुरान यहां दुनिया में कई हुफाज है, लाखों हुफाज है जो कुरान मजीद को अपने दिमाग से फिर से दोहरा सकते हैं, दे नो द कुरान बाय हार्ट। कितना भी कोशिश करो, आज की तारीख में अगर आप सारे कुरान मजीद को जला भी देंगे नऊज बिल्ला, फिर भी मुमकिन नहीं कि कुरान को आप खत्म कर सकेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि कुरान को मैंने नाजिल किया हूं और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। इसीलिए इसके बाद कोई भी कुरान नहीं आने वाला, कोई भी नई वही नहीं आने वाली,
اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آخری وحی کی حفاظت کریں گے تو کہ تا قیامت تک ہر انسان کے لیے ایک انسٹرکشن مینیول موجود ہے. یہ آخری جواب تھا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. دوستو آج کا کامیاب سیشن ہی پہ ختم ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے یہاں جمع ہونے اور دین کی باتوں کو سیکھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کو قبول فرمائے. کل کے پروگرام کے تعلق سے ایک چھوٹا سا اعلان ہے. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ 10 روزہ عالمی کانفرنس, اس میں ہند اور بیرون ہند کے علماء اکرام سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. کل سعودی عرب کے ڈاکٹر وسیع اللہ عباس صاحب کا خطاب ہوگا اولاد کی تربیت کے عنوان سے, اور اس کے بعد محبت رسول اور ہم کے عنوان سے مولانا رضا اللہ عبد الکریم صاحب کا مذہب اسلامی کی اخلاقی تعلیمات کو پیش کریں گے شیخ عبداللہ مدنی. اور اللہ کی مدد قریب ہے. اطہر خان, اسلام کیسی دنیا کی تعمیر کرتا ہے, مولانا اعجاز احمد اسلم. شام کے سیشن میں دنیا میں امن کے لیے اسلام کے عادلانہ نظام کی ضرورت ہے, اس پر روشنی ڈالیں گے مولانا فضیل الرحمن قاسمی. اور ہمارے گھر ہماری یونیورسٹیاں, اس موضوع پر خطاب کریں گے مشہور ماہر تعلیم مبارک کاپڑی. اس اعلان کے ساتھ اس پروگرام کے